They give it out mass. कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉट गुड। तो इतने महीनों आपने कैसे किया था? भी जो हमारी जो अभी तक हमारी जो सेविंग्स हमने जो किए थे जो भी है सेविंग्स के लास्ट ईयर तो हमने जो सेविंग्स किए थे तो हमारे पूरे पूरे चले गए थे। तो ये साल जो हमारा जो आ रहा है इसमें हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हमें हर एक हफ्ते हमें किसी न किसी को फोन करके पूछना पड़ रहा है कि प्लीज़ हमें कोई हेल्प करो। खुद से कोई नहीं हेल्प कर रहा है, हमें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि हमें हेल्प करो। अभी बच्चे वगैरह होते थे तो हमें उनमें शगुन भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सब कोविड की वजह से टोटली बंद हो गया। तो इसकी वजह से हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अब तक इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि बहुत ही। तो कभी कभी तो फिर भी हमारा तो फिर भी माता रानी की दुआ से अच्छा ही चल रहा है। और जो क्लीनर्स हैं जो प्रॉपरली उनका वही काम है जो लोकल मांगना और दुकानें मांगना एक एक रुपये दो दो रुपये मांगना, तो उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रगल हो रहा है, उन्हें तो बहुत ही तकलीफ हो रही है। एरिया तो उसमें आधे फिर भी हैं उनका स्ट्रगल चल रहा है और जिनके नहीं हैं तो उन्हें तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो हम खुद उन्हें हेल्प कर रहे हैं, मतलब हमारे पास आज दो रोटी तो हमें उनको एक रोटी देना ही पड़ रहा है क्योंकि हमारी कम्युनिटी है। हाँ हमारी कम्युनिटी है तो हमें हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करना पड़ता है, बाकी और कोई करे ना करे। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें ऐसे किए हमारे घर तक किया। मैम के लिए भी है तो मुझे बताया तभी किया ना। ओके लेकिन आगे भी कोशिश करेंगे कि लेकिन सच में मैडम आप अभी 20 पीपल से हम तो उसमें हमें पूछा तो हमने भी हमारी प्रॉब्लम सब शेयर बताया शेयर किए तो उन्होंने भी हमें प्रोवाइड किया उन्होंने भी हमें प्रोवाइड किया राशन वगैरह हमारे पे ही है ट्रांसजेंडर पे ही है। तो उन्होंने भी हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप लोगों का स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं। तो हमारे जो क्लीन लाइन में जो हम थे 20 थे हम लोग 10 अधिकतर थे उसमें हम 3-4 लोगों की तो बहुत ही हालत खराब थी क्योंकि अभी ये कोविड में मेरी मॉम 2 मंथ्स पहले मेरी मॉम एक्सपायर हो गई। तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा हमें वो चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना। कोई हमारे घर पे आया नहीं या कुछ नहीं बट बेटी जो सलमा मैम किन्नर मार्ट लीजिए पकड़ो। हाँ एक मिनट हाँ चलो चलेगा चलेगा चला जेनी जेनी कितने लाइट तेनी साइडला एका साइडला वाव नाही का घेतात प्रिया तू चलेगा तू घेतलो इकडे हां थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर अगेन सारे आ गए। यस
ना थोड़ा नीचे करके अच्छा ओके थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे और हाथ थोड़ा खोल के ऊपर लेके चले जा रहा था दादा के डायरेक्ट ओके ओके बस 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 एक मिनट एक मिनट वन मोर वन मोर ओके मैडम जो आपने अभी इनिशिएटिव लिया जो ये ट्रांसजेंडर्स को अपने राशन किट से हेल्प किया अब तक तो देखा गया इस कोविड के टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा करके जो आम पब्लिक है या जो बाकी लोग हैं उन तक के राशन किट पहुँचा है और ये समाज एक ऐसा समाज है जो दुर्लक्षित समाज है आपने ये इनिशिएटिव लिया इनको राशन बांटने का इसके पीछे आपका क्या मकसद है इसके पीछे मेरा ये मकसद है कि हम हर एक को हेल्प कर रहे हैं हम पुलिस वालों को हेल्प कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको हेल्प कर रहे हैं हम कोविड वॉरियर हैं उनको हेल्प कर रहे हैं हम सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं बट किसी को इनकी नहीं पड़ी ये ऑलरेडी इनके साथ समाज ने ऑलरेडी कुछ माइनस किया हुआ है ऑलरेडी इनको लाइक नहीं करते कुछ लोग ऑलरेडी ये लोग बहुत चीज़ों से सफ़र करते हैं और ऑलरेडी उन लोगों को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है ये सिग्नल पे है जाते हैं इनको इतनी मेहनत करते हैं ये लोग वो काउंट भी नहीं होता तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं इनको देख लिया इनका थोड़ा सा भी दुख अगर अपने पास नहीं कर सकता या थोड़ा सा भी दुख मैं दूर कर सकती तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि ये बहुत भोले हैं एक्चुअली और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है तो मैं इसीलिए मेरी तरफ से थोड़ा बहुत हो सका आप बाकी समाज को कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे इस माध्यम के जरिए मैं कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऑलरेडी बहुत सालों से इनके साथ गलत होते हुए आया है ऑलरेडी बहुत सालों से ये लोग बहुत स्ट्रगल करते हुए आए हैं इनको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है तो मैं ये सोचूँगी कि इन्हें बहुत सारा प्यार है आपके पास एक दूसरे को आप लोग बहुत प्यार करते हो थोड़ा सा इनके लिए भी बचा के रखें